वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर कोई शादीशुदा महिला किसी बॉयफ्रेंड के साथ में या फिर किसी व्यक्ति के साथ में लिव इन रिलेशन में रहती है या फिर संबंध के अंदर रहती है तो उस महिला के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, यहाँ पे कानून में क्या प्रावधान किया गया है, या फिर जिस व्यक्ति के साथ वो संबंध में रहती है, लिव इन रिलेशन में रहती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पे एक एडवोकेट होने के नाते पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे कमेंट मेरे पास में आते ही रहते हैं, लोगों के यही सवाल रहते हैं, तो यहाँ पर पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आईपीसी की धारा 497 में ये प्रावधान किया गया था, ये प्रावधान किया गया था कि अगर जिस व्यक्ति के संपर्क में लिव इन रिलेशन में वो महिला रहती है, शादीशुदा महिला या फिर संबंध में रहती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ 497 लगती थी और उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। पर अभी अभी जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 497 आईपीसी को असंवैधानिक करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट के अंदर, और कहा गया है यहाँ पे उस व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं मिलेगी जिसके रिलेशन में, जिसके संपर्क में अगर कोई शादीशुदा महिला रहती है। तो यहाँ पे सज़ा किसको मिलेगी? उस महिला को मिलेगी, उस महिला को यहाँ पे सज़ा मिल सकती है। उसको इस तरीके से सज़ा मिल सकती है कि जो उसका पति है वो इस आधार से वो एडल्टी के सबूत कोर्ट के अंदर दायर करके कि ये इस व्यक्ति के साथ में एडल्टी के अंदर है, रिलेशन के अंदर है, वो इन सबूतों को कोर्ट के अंदर देके और एक्स पार्टी डाइवोर्स वो ले सकता है, वो पत्नी से परमानेंटली डाइवोर्स ले सकता है, और यहाँ पे इस आधार को साबित करके वो मेंटेनेंस भी देने से बच सकता है, यानी कि उसको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा पत्नी को। तो इस तरीके से ये सज़ा केवल पत्नी को ही मिलने वाली है। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।